स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने ओपन चेन ठीक से लर्न कर लिया है तो ये आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताया गया था कि 3 इसमें टाइप्स रहेंगे, एक एलिसाइक्लिक और सेकंड नंबर पर एरोमेटिक और थर्ड नंबर पर हीट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसमें साइक्लोलकेन, साइक्लोलकीन और साइक्लोलकाइन आपने पढ़ा था। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें आज स्टडी करने हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आपको बताया गया था कि दो टाइप के होते हैं, बेंजोनाइड एरोमेटिक और दूसरे नॉन बेंजोनाइड। तो हम इस लेसन में सिर्फ बेंजोनाइड एरोमेटिक ही लर्न करेंगे। इसका मतलब होता है विच कंटेन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, C6H6। तो इसमें रिंग होती है 6 कार्बन की, तो इसमें साइक्लिक इसमें फॉर्म में आपको 6 कार्बन लगा लेने हैं, तो ये एक हेक्सागन बन जाएगी और हर कार्बन पर आपको एक हाइड्रोजन लगाना है ताकि हाइड्रोजन भी 6 हो जाए इस टाइप से। और इसमें कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, तो इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये डबल सिंगल और फिर ये डबल, तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाती है। और इस स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इसमें आप अल्टरनेट जो है ये सिंगल डबल बॉन्ड इस टाइप से लगा सकते हैं। हर कॉर्नर पर एक कार्बन है और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड की पोजीशन इसमें फिक्स नहीं होती, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, आप इसमें इसका एक इसकी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मींस कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से जो है सभी की चारों तरफ जो है वो इस तरह से घूमते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से इस बॉन्ड्स को सर्कल लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड की पोजीशन जो है जहां सिंगल है वहां डबल हो सकता है और डबल की जगह पे सिंगल हो सकता है। तो इस तरह से जीन का स्ट्रक्चर ऐसे आप बना सकते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बेंजीन के ऊपर आपको कोई ग्रुप लगाना है, सपोज मिथाइल बेंजीन आपको बनाना है, तो ये बेंजीन का ऊपर से एक एच हटाकर ही आप कोई ग्रुप लगाएंगे। बेंजीन जैसे C6H6 होता है, अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप लगाया है तो ये C6H5 हो जाएगा और ऊपर CH3। तो ये मिथाइल ग्रुप ऊपर लगने से ये मिथाइल बेंजीन बन गया, और ये टोलिन, इसका टोलविन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम भी आपको लर्न कर लेना है। और इस तरह से अगर आप इथाइल बेंजीन बनाना चाहें तो बेंजीन के ऊपर एक एच हटाकर आप C2H5 ग्रुप लगा सकते हैं, जिसको हम CH2CH3 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको प्रोपाइल ग्रुप लगाना है, फर्स्ट कार्बन से लगाएंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। आगे हम बेंजीन पर एक प्रोपाइल ग्रुप जो है वो बीच में से लगाते हैं, बीच वाले कार्बन से, जिसको आइसो प्रोपाइल ग्रुप कहा जाता है। तो इस तरह से ये आइसो प्रोपाइल बेंजीन जो है वो कहलाएगा, और इसका एक कॉमन नेम क्यूमीन होता है, ये भी आपको लर्न करना है। और अगर इसका आप IUPAC नेम लिखते हैं तो ये 2 पर फिनाइल ग्रुप, ये जो C6H5 ग्रुप है यहाँ पर इसको फिनाइल ग्रुप भी कहा जाता है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन भी इसका नेम हो सकता है। तो ये भी आपको समझना है। और इस तरह से अगर आप और आगे इसको कंटिन्यू करें, सपोज हम यहाँ पर एक एच हटाकर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, और सेकंड कार्बन पर एक और ग्रुप लगा देते हैं, तो ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हो जाएगा, और इसको ऑर्थोजाइलिन बोला जाता है। ऑर्थो का मतलब होता है कि 1,2 पर दो ग्रुप लगे हों, तो ओ लिखते हैं उसको, ओ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो। इस तरह से अगर ये ग्रुप जो है दूसरा मिथाइल ग्रुप आप थर्ड नंबर पर लगाएं, सपोज एक तो आपने फर्स्ट नंबर पर लगाया है, ये सेकंड है और यहाँ पर ये थर्ड है, तो ये इसका नेम क्या होगा, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, और इसको मेटाजाइलिन बोला जाता है। एम का मतलब यहाँ पर मेटा है, जो 1,3 पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से अगर आप ये मिथाइल ग्रुप और आगे ले जाते हैं नेक्स्ट कार्बन पर, तो क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है, तो ये 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, जिसको पैराजाइलिन बोला जाता है। पैरा जो है ये पी से लिखते हैं इसको, पैरा, ये 1,4 पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो ग्रुप जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,4 पोजीशन पर लगे हों तो उसको पैरा बोलना है, 1,3 पोजीशन वाले को मेटा और 1,2 वाले को ऑर्थो। इस तरह से ये आपको जरूर लर्न करना है। और 1,5 पोजीशन नहीं होगी, अगर आप 1,2,3,4 फिफ्थ नंबर पर लगाते हैं तो उधर से थर्ड नंबर पर आ जाएगा और वो मेटा बन जाएगा। इस तरह से 1,6 पोजीशन भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो है 1,2 पोजीशन हो जाएगी और उसको हम ऑर्थो लिखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आगे देखते हैं हेलोरिन। हेलो का मतलब होता है कि कोई हेलोजन, जैसे फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन या आयोडीन बेंजीन के ऊपर आप लगा देते हैं। तो सपोज हम यहाँ का एच हटाकर क्लोरो ग्रुप लगाते हैं, तो ये क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप BR लगाएंगे तो ये ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, फ्लोरिन लगाएंगे तो फ्लोरो बेंजीन, और अगर आप यहाँ पर आयोडीन लगाएंगे तो ये आयोडो बेंजीन हो जाएगा।
और इस तरह से आप दो दो ग्रुप भी लगा सकते हैं इस टाइप से। जहाँ पर देख लीजिए ये फर्स्ट पर है और ये सेकंड पर क्लोरो है, तो इसका नेम 1,2-डाईक्लोरोबेंजीन होगा। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो जो है 1,2 पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से 1,3 होगा तो वो मेटा हो जाएगा। और अगर आप 1,4 पोजीशन, एक क्लोरो ये फर्स्ट नंबर पर और ये सेकंड, ये थर्ड, और यहाँ पर इसकी सीध में ये फोर्थ पोजीशन होगी, तो ये 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन हो गया। इसको क्या कहेंगे, पैरा डाईक्लोरोबेंजीन। आगे हम क्या करते हैं कि एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, एक क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ये मिथाइल बेंजीन या इसको टोलविन बोलते हैं। तो इसके सेकंड नंबर पर अगर क्लोरो है तो 2-क्लोरो ये टोलविन हो गया, या 2-क्लोरो मिथाइल बेंजीन, या इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टोलविन। ऑर्थो जो है 1,2 पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से अगर यहाँ पर आप एक मिथाइल ग्रुप लगाएं और एक क्लोरो ग्रुप लगाएं, तो ये पैरा क्लोरो टोलविन या पैरा क्लोरो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर क्लोरो ग्रुप ऊपर है और मिथाइल ग्रुप नीचे है तो भी ये नेम यही रहेगा, पैरा क्लोरो टोलविन या पैरा क्लोरो मिथाइल बेंजीन। आगे कुछ और कंपाउंड देखते हैं, जैसे CH3Cl क्या होता है, ये क्लोरोमीथेन होता है। इसका एक एच हटाकर अगर आप फिनाइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, इस टाइप से ये CH2Cl हो जाएगा। तो इसको फिनाइल क्लोरोमीथेन कहा जाता है। और इसका कॉमन नेम बेंजिल क्लोराइड भी आपको लर्न करना है। और इसका एक एच कम करके हम एक और Cl लगा देते हैं तो वो डाई क्लोरोमीथेन टाइप का कंपाउंड होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लीजिए, यहाँ पर CHCl2 इस तरह से इसको लेंगे तो ये फिनाइल तो है ही, तो ये फिनाइल डाई क्लोरोमीथेन, मीथेन मीन्स वन कार्बन वाला है ये, तो फिनाइल डाई क्लोरोमीथेन इसका नेम होगा। और इसका कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है कि बेंजाल डाईक्लोराइड, तो ये ZAL है यहाँ पर, तो ये कॉमन नेम लर्न करना थोड़ा मुश्किल होगा पर आप कोशिश करेंगे तो ये कर पाएंगे। और इस तरह से ये वाला एच हटाकर हम Cl लगाएंगे तो एक कंपाउंड और बन जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या बनेगा, CCl3। तो ये फिनाइल ग्रुप है और ये ट्राईक्लोरोमीथेन, तो फिनाइल ट्राईक्लोरोमीथेन इसका नेम रहेगा। और इसका एक कॉमन नेम बेंजो ट्राईक्लोराइड होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से आगे हम फिनोल वाले कंपाउंड मींस की OH ग्रुप वाले कंपाउंड जो है वो करते हैं। जैसे अल्कोहल आपने पढ़ रखा है, अल्कोहल ग्रुप जो है अगर आप यहाँ पर मीथेन के ऊपर एक एच कम करके ये लगाते हैं तो ये मीथेनोल हो जाता है। और अगर फिनाइल ग्रुप मींस बेंजीन के ऊपर एक एच कम करके आप OH लगाते हैं तो इसका नेम जो है वो फिनोल होता है, ये कॉमन नेम है। और इस फिनोल में अगर आप क्या करते हैं, ये OH है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो 2-मिथाइल फिनोल, या इसका एक और कॉमन नेम है और तो क्रिजोल। क्रिजोल का मतलब होता है कि बेंजीन पर एक OH ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, और ये ऑर्थो जो है ये सेकंड नंबर पर ग्रुप लगा है इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से अगर ये मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर लगा दें तो 3-मिथाइल फिनोल हो जाएगा, जिसको मेटा क्रिजोल कहा जाएगा। और इसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि OH के फोर्थ नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप लगाएं तो ये 4-मिथाइल फिनोल होगा, जिसका कॉमन नेम होगा पैराक्रिजोल। नेक्स्ट करते हैं ईथर। तो ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है वो आपको याद होगा, ROR। तो इसमें मैं कोई पहले एलिफेटिक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज एक तरफ इथाइल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इसको इथाइल मिथाइल ईथर कहा जाता था। और IUPAC नेम में आप ओ को स्मॉलर ग्रुप के साथ लेकर मिथोक्सी इथेन, तो मिथोक्सी इथेन इसका IUPAC नेम होता था। तो इस तरह से आपने लर्न कर रखा है। अब एक साइड तो आपको फिनाइल ग्रुप मीन्स बेंजीन लगाना है, तो यहाँ पर एक मैं कंपाउंड लिखता हूँ, एक फिनाइल ग्रुप है और एक OCH3 मीन्स ये मिथाइल फिनाइल ईथर है। तो ये कॉमन नेम यहाँ पर लिखा है मिथाइल फिनाइल ईथर, एम पहले आता है अल्फाबेटिकली में, इसलिए मिथाइल फिनाइल लिखा है, फिनाइल मिथाइल आपको नहीं लिखना है। और ये जो है ओ मिथाइल ग्रुप के साथ मिलाकर क्या हो जाएगा, मिथोक्सी जो बेंजीन पे लगा है, तो इसका नेम होगा मिथोक्सी बेंजीन। तो इस टाइप से ये नेमिंग रहेगी। और अगर आप इसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगाते हैं OC2H5 इस टाइप से, तो ये होगा इथाइल फिनाइल ईथर, तो ये कॉमन नेम रहेगा। और इथोक्सी बेंजीन जो है ये IUPAC टाइप का नेम होगा। और आपको याद रखना है कि ये जो इथोक्सी बेंजीन है इसका एक कॉमन नेम फेनिटोल होता है। और इसी तरह से जो ये पहले किया था आपने मिथोक्सी बेंजीन, इसका एक और कॉमन नेम होता है एनिसोल। तो ये भी आपको कॉमन नेम भी आपको लर्न करने हैं। अगर दोनों साइड फिनाइल ग्रुप हो तो मींस कि कैसे, यहाँ पर अगर एक फिनाइल ग्रुप है और ओ लगाकर आपको इधर भी एक फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये डाई फिनाइल ईथर हो जाता है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये ओ और यहाँ पर लगा लेते हैं C6H5, फिनाइल ग्रुप को शॉर्ट में C6H5 लिख सकते हैं। तो इसको पूरे को फिनोक्सी ग्रुप कहा जाता है, तो ये फिनोक्सी बेंजीन इसका नेम हो जाएगा। या क्योंकि दोनों फिनाइल ग्रुप हैं तो डाई फिनाइल ईथर भी इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं।
तो ये थे ईथर और आगे हम करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी एच ओ। तो सी एच ओ आपको बेंजीन के ऊपर लगाना है तो वो बेंजीन कार्बल्डिहाइड या उसको शॉर्ट में कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इसी बेंजल्डिहाइड में अगर आप क्या करते हैं, कोई साइड में सेकंड नंबर पर सपोज आप OH ग्रुप लगाते हैं तो 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका एक कॉमन नियम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, ये भी आपको जरूर लर्न करना है। एल्डिहाइड के बाद आगे देखते हैं कीटोन। कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी ओ आर डैश। तो ये R और R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आपने पहले किया था, आपको पता है कि ये CO ऐसे भी लिखा जाता है इस टाइप से, तो ये डाईमिथाइल कीटोन या इसका IUPAC नेम होता था प्रोपेनोन। तो ये तो एलिफेटिक में थे, अब हमें एक जगह पर तो क्या करना है, फिनाइल ग्रुप लगाना है, मीन्स बेंजीन लगानी है, और दूसरा ग्रुप आप मिथाइल या इथाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये CO CH3, तो ये क्या होगा, ये मिथाइल और फिनाइल, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका एक और कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन। इसका IUPAC नेम अभी आपको बताया नहीं गया है, अभी आप यही लर्न कर लीजिए, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर आप CO CH3 ऐसे लगा सकते हैं, तो ये मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसीटोफिनोन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर दोनों साइड फिनाइल ग्रुप हो जाए तो वो कैसे होगा, इस तरह से ये फिनाइल ग्रुप के बीच में क्या है, CO, ये कीटोन है, तो ये डाई फिनाइल कीटोन हो जाएगा और इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। और इसी कंपाउंड को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और CO, ये CO इस टाइप से लिखने की बजाय ऐसे लिख देते हैं, और ये जो फिनाइल ग्रुप है उसको लिखते हैं C6H5, तो ये डाईफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन बन जाएगा। आगे हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOH, और R की जगह हम फिनाइल ग्रुप मींस बेंजीन लगा लेते हैं, तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते क्या है, बेंजोइक एसिड। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और बेंजोइक एसिड में अगर आप कोई और ग्रुप साइड में लगा लेते हैं, सपोज यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं 2 नंबर पर, तो इसका नेम होगा 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम भी आपको लर्न करना है, वो होता है सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कभी कभी 2 भी लग जाते हैं इस टाइप से, तो मैं वो लगा के दिखाता हूँ। ये COH जो फर्स्ट नंबर पर है, और इस तरह से सेकंड नंबर पर भी COH, तो इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। डाईओइक एसिड नहीं लिखना है, ये कार्बन जो है बेंजीन से बाहर है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है। तो ये बेंजीन 1,2-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड होता है, ये pH यहाँ पर साइलेंट है। तो जैसे ये 1,2 पोजीशन पर लगे हैं, ऐसे ही 1,4 पोजीशन पर भी आप लगा सकते हैं इस टाइप से, ये COH, और ये फोर्थ नंबर पर COH इस टाइप से, तो इसका नेम होगा बेंजीन 1,4-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक कॉमन नेम होता है टेरीथैलिक एसिड। तो ये जो है 3 पोजीशन पर भी हो सकता था, हालांकि इस तरह का कंपाउंड रेयर होता है, तो ये भी मैं बना देता हूँ COH, और ये थर्ड नंबर पर जिसको आप मेटा पोजीशन बोलते हैं, तो ये बेंजीन 1,3-डाईकार्बोक्सिलिक, ये डी लिखा है, ये पूरा आपको लिखना है डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो ऐसे इसको शॉर्ट में लिख दिया है। और इसका कॉमन नेम है आइसोथैलिक एसिड, ये भी आपको लर्न करना है। आगे करते हैं एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड से कुछ बने हुए एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि एसिड क्लोराइड, अनहाइड्राइड, और एस्टर भी होते हैं, अमाइड भी होते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेंजीन के ऊपर जो है अगर COCl ग्रुप लगाते हैं तो इसको एसिड क्लोराइड कहा जाता है, और बेंजीन के ऊपर लगा है तो इसका कॉमन नेम रहेगा बेंजोइल क्लोराइड। तो ये एसिड क्लोराइड का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से एक एस्टर भी होते हैं, तो एस्टर जो है आपको पता है कि उसमें RCOOR- होता है, तो यहाँ पर COO, सपोज यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, तो इसको मिथाइल बेंजोएट कहा जाएगा, तो ये एक एस्टर का एग्जांपल है। इस तरह से अमाइड होते हैं CONH2, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप CONH2 ग्रुप लगा देते हैं तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजामाइड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर इसका एच हटाकर हम कोई और ग्रुप लगा देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर लगा के दिखा देते हैं नेक्स्ट केस में। तो ये CONH यहाँ पर सपोज मिथाइल ग्रुप लगाया है ये नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसका नेम होगा एन मिथाइल बेंजामाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ये भी याद रखना है कि ये CH3CONH2 जो है ये इथेनामाइड होता था, जो आपने पहले स्टडी कर रखा है,
और इसके ये लास्ट में आप फिनाइल ग्रुप लगाएंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये इस टाइप से है, ये NH के NH2 में एक एच हटाकर फिनाइल ग्रुप लगाया है और बाकी सारा उल्टा ऐसे लिखना है NHCOCH3। तो ये CH3CONH2 था, यहाँ से आप राइट साइड से देखिए, और उसके लास्ट में फिनाइल ग्रुप लगाया है तो N फिनाइल इथेनामाइड ये कहलाएगा, क्योंकि ये इथेनामाइड से बना है और इसका कॉमन नेम N फिनाइल एसीटामाइड होता है, और N फिनाइल एसीटामाइड का एक और कॉमन नेम होता है जो है एसीटनलाइड। तो प्लस टू में एसीटनलाइड काफ़ी यूज़ होता है और इसका फार्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है। इस तरह से आप ये बेंजामाइड देखिए, बेंजामाइड के लास्ट में अगर एक फिनाइल ग्रुप लगा दें और उस फिनाइल ग्रुप को मैं यहाँ पहले बना देता हूँ और आगे क्या लिखें NHCO और ये वाला फिनाइल ग्रुप यहाँ पर है, तो ये इधर से बेंजामाइड है इधर राइट साइड से, और इसके नाइट्रोजन पर फिनाइल ग्रुप लगा है तो इसका कॉमन नेम होगा N फिनाइल बेंजामाइड। तो ये जो N फिनाइल बेंजामाइड है इसका एक और कॉमन नेम होता है बेंजेनलाइड, तो ये भी आपको लर्न करना है। आगे देखते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक एसिड के अगर आप दो मॉलिक्यूल लें इस टाइप से C6H5COOH और एक और C6H5COOH ले लें और उसमें से वाटर निकाल दें तो C6H5COO C6H5CO ऐसा एक कंपाउंड बन जाएगा। तो C6H5 फिनाइल ग्रुप है, उसको मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, और CO ऐसे, और एक ये वाला O जो है यहाँ बीच में, और इस तरह से CO इस टाइप से, और फिर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और। तो ये बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल के तो ये जो अनहाइड्रेट बना है इसको बोलेंगे बेंजोइक अनहाइड्रेट। तो ये बेंजोइक अनहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है ये आपको जरूर दिमाग में रखना है। और इस तरह से थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर दो COOH ग्रुप होते हैं एक ही बेंजीन के ऊपर, उसमें से अगर वाटर निकालते हैं तो वो थैलिक अनहाइड्रेट बन जाता है। तो वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, इस टाइप से होगा। तो इसमें CO एक ओ तो डबल बॉन्ड से लगा होता है एक बीच में, और इस तरह से CO ये है थैलिक अनहाइड्रेट। तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी यूजफुल है, ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट करते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड जो होता है RCN, इस तरह से सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आइसोसाइनाइड में कैसे होता है एन सी होता है, उसमें आपको बताया गया था कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो आर की जगह पर मैं ये फिनाइल ग्रुप लगा देता हूँ इस टाइप से, तो ये CN लिख दिया सी और एन के बीच में, ये अंडरस्टूड है कि ट्रिपल बॉन्ड है जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, और इसका नेम रहेगा फिनाइल साइनाइड, या इसको बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी कहा जाता है, और कई बुक्स में बेंजो नाइट्राइल ऐसे कॉमन नेम भी लिखा होता है। तो ये हो गया, अगर मैं CN को उल्टा करके लिखता हूँ NC तो वो क्या बनेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से। तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड कहा जाएगा, या इसको आपको याद है कार्बाइल अमीन भी बोलते थे, तो इसको फिनाइल कार्बाइल अमीन भी इसका एक और नेम है। आगे नाइट्रो कंपाउंड को स्टडी कर लेते हैं। तो बेंजीन के ऊपर अगर सिंपली NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है नाइट्रो बेंजीन, और अगर आप दो ग्रुप लगा देते हैं दो NO2, सपोज एक फर्स्ट पर लगा देते हैं और एक थर्ड नंबर पर लगा देते हैं, तो इस तरह से ये 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन हो जाता है, और इसका कॉमन नेम होता है मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो अगर यहाँ पर आप तीन NO2 ग्रुप लगा देते हैं इस टाइप से, तो जब तीन ग्रुप लगते हैं तो फिर आपको ऑर्थो पैरा मेटा जो है इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज़ नहीं करने हैं, और उसमें सिर्फ नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो एक NO2 यहाँ पर है, ये 2 नंबर छोड़कर ये 3 नंबर पर है, और ये 4 नंबर छोड़ के आगे ये 5 नंबर पर है, तो इसका नेम क्या होगा 1,3,5। तो ये 1,2,3,4,5, तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन इसका नेम बनेगा। और इस तरह से अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप है तो उसके साथ उसके हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये मिथाइल बेंजीन पहले बना दिया है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ये सेकंड नंबर पर NO2 है, और इस तरह से आगे ये फोर्थ नंबर पर है, और एक यहाँ लगाया तो ये फिफ्थ छोड़ के ये सिक्स नंबर पर आ जाता है। तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन या ट्राई नाइट्रो टॉलविन बोलते हैं, और इसका शॉर्ट में TNT जो है वो कहा जाता है। ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, तो इसका जो TNT का जो है फुल फॉर्म और इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी आपको लर्न करना है। और ये CH3 की जगह पर अगर OH ग्रुप आए तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो उसको फिनोल बोलते हैं, और उसके 2 नंबर पर नाइट्रो लगा हो, एक और 4 नंबर पर लगा है, और एक ये 6 नंबर पर लगा है, तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल हो जाएगा, और इसका कॉमन नेम भी आपको लर्न करना है, ये होता है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट करते हैं अमीन्स। तो जो प्राइमरी अमीन होते हैं उनमें आपको पता है कि NH2 ग्रुप होता है, और जनरल फार्मूला जो है RNH2 रहता है। जो सेकेंडरी अमीन होगा उसमें
H हटाकर जो है कोई और ग्रुप लगा देते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पर आप मिथाइल या फिनाइल ग्रुप लगा पाएंगे, तो ये सेकेंडरी अमीन हो जाता है। अगर जो लास्ट वाला H है वो भी हटाकर R लगा देते हैं तो वो टर्शियरी अमीन हो जाता है। तो अभी मैं प्राइमरी अमीन में R की जगह पर जस्ट बेंजीन लगा देता हूँ, तो ये अमीनो बेंजीन जो है इस टाइप से इसका नेम होगा, या उसका IUPAC नेम बेंजीना अमीन हो जाता है, जैसे इथेनामीन मिथेनामीन आपने पढ़ रखा है, और इसका एक कॉमन नेम है एनिलीन, ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्राइमरी अमीन की कैटेगरी में आएगा, और इसका एच हटाकर अगर हम कोई मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं सपोज, तो वो सेकेंडरी अमीन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगा है, तो एन मिथाइल लिखेंगे, एन मिथाइल अमीनो बेंजीन या बेंजीनामीन, या कॉमन नेम लिखेंगे तो एन मिथाइल एनिलीन जो है आप लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर इसका एच हटाकर जो है एक और मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये मैं यहाँ पर नीचे लगा रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये टर्शियरी अमीन की कैटेगरी में आ जाएगा, और दो मिथाइल ग्रुप लगाए हैं तो ये एन एन डाई मिथाइल अमीनो बेंजीन या बेंजीनामीन या एनिलीन, इस तरह से इसको लिखना है। और इसका स्ट्रक्चर जो है कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है CH3 ट्वाइस करके इस टाइप से, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और इधर जो है एक और करते हैं, ये फिनाइल मिथेनामीन करते हैं। मिथेनामीन तो आपको पता है क्या होता है, CH3NH2, इसका एच हटाकर अगर आप फिनाइल ग्रुप लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इस टाइप से CH2NH2 ये कंपाउंड बनेगा। ये फिनाइल ग्रुप है, और क्योंकि इसमें कार्बन है फिनाइल के अलावा भी, तो इसको मिथेनामीन कहा जाता है, तो ये फिनाइल मिथेनामीन इसका नेम बनेगा। और इसका एक और कॉमन नेम बेंजीलामीन जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे NH2 की जगह जब Cl होता था तो वो बेंजिल क्लोराइड, उसका नेम आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और इस तरह से अमीनो ग्रुप के साथ कोई और ग्रुप लगाया जाए, सपोज यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, तो ऊपर तो मैं NH2 ही लगा देता हूँ, नीचे फोर्थ नंबर पर मिथाइल ग्रुप, तो ये 4-methylbenzenamine होगा, या 4-methylaniline लिख सकते हैं, या पैरा मिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, पैरा पोजिशन फोर्थ नंबर को इंडिकेट करता है, और इसका कॉमन नेम भी है पैरा टोलिडीन, जो टोलविन से बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका कॉमन नेम पैरा टोलिडीन होता है। अदर्स में आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ये बेंजीन के ऊपर इस तरह का एक ग्रुप होता है नाइट्रोजन, और ये ट्रिपल बॉन्ड है NCl, तो ये आयनिक होता है, इसमें Cl नेगेटिव और N जो है पहले वाला N पॉजिटिव, तो इसका नेम आपको लर्न करना है, ये होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो ये N और N जो बीच में दो N है तो इसको डायजोनियम साल्ट बोलते हैं, तो ये फार्मूला भी आपको लर्न कर लेना है। और इस तरह से अगर बेंजीन के ऊपर जो है SO3H ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इस तरह से अगर दो बेंजीन ग्रुप जो हैं बीच में जुड़े हैं तो ये इस तरह से एक फिनाइल ग्रुप है, एक और फिनाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो इसको शॉर्ट में हम C6H5 लिखते हैं, और इसको बोलते हैं डाईफिनाइल। आगे क्लोज चेन में आपको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी स्टडी करने हैं, ये थर्ड नंबर पर हैं। सेकंड नंबर पर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो अभी ऊपर किए हैं, तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको बता दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर जो है अपने नोटबुक पर ड्रा करके उनके नेम जो है वो लर्न कर लेने हैं। और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें साइक्लिक चेन में कार्बन के अलावा आपको पता है कि अगर कोई और एटम आ जाता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह, तो वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाते हैं। तो एक साइक्लिक कंपाउंड जो है थ्री, इसमें कार्बन तो टू है और थर्ड नंबर पर एक ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका नेम जो है ऑक्साइरन या इथाइलिन ऑक्साइड होता है, तो ये भी आपको लर्न करना है। और इस तरह से अगर चार कार्बन की चेन लें और उसमें एक ऑक्सीजन लगाएं तो वो क्या होगा, CH2 CH2, इस टाइप से CH2 रहेगा और एक और CH2, और बीच में हम लगा रहे हैं ऑक्सीजन, तो इसका नेम ऑक्सोलेन या टेट्राहाइड्रोफिरॉन, इसको शॉर्ट में THF बोलते हैं। टेट्राहाइड्रोफिरॉन का मतलब होता है कि फिरॉन में 4 हाइड्रोजन डालकर ये बन जाता है। फिरॉन का स्ट्रक्चर आपको अभी देखना है, और इस स्ट्रक्चर को जो है शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं इस टाइप से, तो ये बन गया ये THF, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफिरॉन। तो ये जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने दो कराए हैं, ये एलीसाइक्लिक की कैटेगरी में आते हैं, और इस तरह से जो आगे कराऊंगा वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे। एरोमेटिक में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, या नहीं भी हो तो उसमें एक डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल होती है। तो जहां पर मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये फिरॉन को जो है, ये फिरॉन है और इसमें टेट्राहाइड्रोफिरॉन को आपको देख लेना है, तो ये CH जो है यहां पर CH, और ये ऑक्सीजन, और इस तरह से CH
और डबल बॉन्ड फिर सी एच और ये ओ, तो इस तरह से ये फिरोन होता है। इसमें अगर आप 4 हाइड्रोजन ऐड कर दें और ये बॉन्ड ख़त्म कर दें तो वो टेट्राहाइड्रोफिरोन बन जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो फिरोन है इसमें आप इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर मैं छोटा सा बना के दिखाता हूँ, इस टाइप से ये और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये फिरोन का ही स्ट्रक्चर है। इस तरह से एक और होता है पायरोल, पायरोल जो है ये मैं ऐसे ही बना देता हूँ, हर कॉर्नर पर कार्बन है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और उस पर डबल बॉन्ड भी है इस टाइप से, और यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन होगा पायरोल में और इस टाइप से, और इस पर एच भी होगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 होती है। तो यहाँ पे इसमें लोन पेयर रहता है, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर था जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और इनमें एरोमेटिक करेक्टर होता है। ये फिरोन, पायरोल और जो आगे हैं, एक ये थायोफिन होता है, थायोफिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको लर्न कर लेना है। उसमें ऑक्सीजन की जगह पर जो फिरोन था उसमें ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ जाता है और लोन पेयर तो यहाँ रहता ही है और यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये थायोफिन का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। और उसके अलावा एक पिरिडीन है, पिरिडीन का जो है ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है इसका, क्योंकि कावी रिएक्शन में इसको यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट। तो ये एक 6 कार्बन की चेन होती है और एक कार्बन को हटा के उसकी जगह पे क्या लगता है, नाइट्रोजन, और इसमें अल्टरनेट जो है सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि पिरिडीन का जो फार्मूला है वो C5H5N होता है। तो ये एरोमेटिक जो है हीट्रोसाइक्लिक है और ऊपर वाले एलीसाइक्लिक हैं। तो इस तरह से हीट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल भी आपको कुछ लर्न करने हैं और एरोमेटिक तो सारे अच्छे से लर्न कर ही लेने हैं।